मॉर्निंग प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ, सानंद, हंसमुख और सकारात्मक ऊर्जा से उत्प्रोत होंगे और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने जीवन में निरंतर नए सपने और नई बुलंदियों के ख्वाब देख रहे होंगे। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने जीएस के विभिन्न टॉपिक्स के चर्चाएं शुरू की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीएस यदि एक महासागर है तो उसमें कई नदियां आकर के मिलती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वह ट्रेडिशनल जीके हो, जीएस के ये सारे पार्ट्स होते हैं। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने इतिहास विषय के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि इतिहास विषय को आप पढ़ने के लिए, उसमें इंटरेस्ट आपको जगाने के लिए आपको उन घटनाओं के साथ जुड़ना होगा। दूसरा बात आपको क्या करना होगा कि हिस्ट्री विषय जो बोरिंग आपको लगता है उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत किया करें। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, क्या फायदा होगा इससे, आधुनिक भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो आपको चूंकि आज से आप परिचित हो, आप महात्मा गांधी को जान रहे हो, आप चंद्रशेखर आजाद को जान रहे हो, आप भगत सिंह को जान रहे हैं, आप सूर्य सेन को जान रहे हैं, आप सुखदेव को जान रहे हैं, आप राजगुरु को जान रहे हैं, आप खुदीराम बोस को जान रहे हैं, आप सबों से परिचित हैं प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। और यही कारण है कि आदमी जिन चीजों से परिचित होता है उनको जब वो पढ़ता है, उनके बारे में जब वो सुनता है, उनको जब वह जानकारी प्राप्त करता है तो उसमें उसे आनंद आता है। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास से जब आप शुरू कीजिएगा और पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल, पत्थर युग, हिम युग में आप जब जंगलों में भटकने लगेगा कि मानव ऐसा होता था, इन्हीं औजारों का प्रयोग करता था, कंद फल फूल खा करके जीवन बसर करता था, तो वो आपको बोरिंग लगने लगेगा और इतिहास विषय से आपको विरक्ति हो जाएगी। आपको लगेगा अरे इतिहास विषय मजेदार नहीं है यार, एकदम बेकार का विषय है, और आप पढ़ना बंद कर दीजिएगा। इसलिए आप जब भी शुरुआत करें हिस्ट्री विषय को पढ़ने का, तो प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मेरी नेक्स्ट सलाह होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरुआत करें, 1857 की क्रांति से शुरुआत करें। क्योंकि आप जानते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप जान रहे हैं झांसी की रानी को, आप जान रहे हैं बहादुर सफर को, आप जान रहे हैं कुंवर सिंह को, आप जान रहे हैं तात्या टोपे को, आप जान रहे हैं मंगल पांडे को, शहीद मंगल पांडे, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे को, तो आप इन सब चीजों को जान रहे हैं। इसलिए आपको उसमें आनंद आएगा, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि वाह इतिहास तो बहुत ही रोचक विषय है। इसलिए इतिहास बोरिंग विषय नहीं है, इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय है। करना क्या होगा आपको कि आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करें, एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन शुरू करें। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक यदि आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते हैं तो आपको इतिहास विषय में पारंगता हासिल करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। यह आपको ध्यान रखना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, और अपने इस विषय को दमदार बनाइए। क्योंकि आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड बतलाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जामिनेशन हो, जेपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, सीटेट हो, जेटेट हो, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, सब जगह सबसे ज्यादा सवाल इतिहास विषय से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस विषय से बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि इस विषय से मोहब्बत करनी है, इस विषय से प्यार करना है, इस विषय के ख्वाब देखने हैं और उन ख्वाबों को पूरा भी करना है। आज जो दूसरे विषय की ओर हम लोग आ रहे हैं वह विषय है ज्योग्राफी। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, ध्यान देंगे, भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि प्रैक्टिकल विषय है, बहुत ही अंकदायी विषय है। यदि जेपीएससी के मेंस वगैरह में जो है भूगोल विषय पे आप लिखते हैं, यूपीएससी में यदि एक ऑप्शनल पेपर आपका भूगोल रहता है, तो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि भूगोल में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि भूगोल में नंबर कटने की गुंजाइश कम रहती है, अंकदायी विषय है ये। इसलिए भूगोल विषय पे आपको कमांड करना होगा। भूगोल विषय के लिए आप क्या करें, कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि जागृत करें, इसके लिए सबसे अच्छी बात होगी मैप का सहारा लें। आप देख रहे हैं मैप, आपके सामने भारत का जो है मैप है मौजूद, आपके सामने विश्व का मैप मौजूद है, और आप इन मैप के द्वारा ही आप अपने आप को पारंगत बना सकते हैं भूगोल विषय में। कहा जाता है कि भूगोल में वही कमांड कर सकता है जो मैप पर कमांड कर ले, जो मानचित्र पर कमांड कर ले। मानचित्र पर जिस दिन आपने कमांड कर लिया, उस दिन आपको भूगोल पर जो है मजबूती लाने से, भूगोल पर पकड़ बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए आपको इससे ध्यान देना होगा और भूगोल पर, मानचित्र पर अपना जो है विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि आप जान सकें कि विश्व में कौन कौन से महादेश कहाँ हैं, विश्व में कौन कौन से महासागर कहाँ हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल कहाँ कहाँ पर हैं, विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, विश्व के प्रमुख जो जलधाराएं हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इंडियन ज्योग्राफी की ओर आप आइएगा तो
तो इंडियन ज्योग्राफी में मानचित्र अध्ययन से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा पक्की पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से सटे हुए राज्य हैं, तो उसका आप सीधा ट्रिक कीजिएगा पंगू राज्य। छत्तीसगढ़ पाकिस्तान की सीमा से जो भी राज्य सटे हुए हैं या केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं वो पंगू हो जाते हैं, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज पंगू हो जाते हैं। ये ट्रिक आपको इतना बेसकीमती साबित होगा पंगू राज कि आपको एकदम दिमाग में अट जाएगा। बोलेगा सर ये पंगू राज का क्या अर्थ हुआ, तो पंगू राज का अर्थ क्या होता है वो आप देख लीजिए। प से पंजाब, गु से गुजरात, ला से राजस्थान, जैसे जम्मू कश्मीर। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया छत्तीसगढ़, जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है और अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर राज्य से हटा दिया गया है और यह केंद्र सरकार का फैसला है जिसे आप जानते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक शानदार ट्रिक आपको हम लोगों ने दिया है उपहार के तौर पर, पंगू राज, है ना। तो आप क्वेश्चन देखिए इससे कैसे पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ नहीं है। ऑप्शन में देगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात और चौथा ऑप्शन देगा महाराष्ट्र। तो आपको सीधा ट्रिक को क्लिक करना है कि अरे इसका ट्रिक बहुत शानदार दिए थे गुरुकुल के टीचर ने, बहुत अच्छा ट्रिक दिया था। तो क्या ट्रिक था वो, पंगू राज, पाकिस्तान की सीमा से जो भी सटता है वो पंगू बन जाता है। तो पंगू राज बस आपको ध्यान रखना होगा, प से पंजाब, गु से गुजरात, ला से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। तो ये सारे चीजों को छत्तीसगढ़ आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए आपको मैप वर्क आप जितना करेंगे, भारत की जितनी भी नदियां हैं कहां से निकलती हैं, कहां गिरती है, हर साल प्रतियोगिता परीक्षाओं में भरा रहता है प्रश्न, SSC, रेलवे, JPSC, CTET, JTET, UPSC, सब एग्जामिशन में आप देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा। भारत में कौन कौन से पर्वतमालाएं हैं, उत्तर भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत में कौन कौन से मरुस्थल हैं, भारत के कौन कौन से झील हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये सारे चीजों से प्रश्न आपको छात्रगण पूछे जाएंगे। आपको इन पर कमांड रखना होगा। कृषि के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है, किसके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, गेहूं के, चावल के, मक्का के, आलू के, गन्ना के, चीनी के, चाय के, कॉफी के, जूट के, कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, इन सब चीजों से प्रश्न देखेंगे आप कि हर बार पूछे जा रहे हैं, हर साल क्वेश्चन बैंक आप उठा करके देख लीजिए। मैं आपको दावा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको बार बार मिलेंगे, इसलिए स्मार्ट स्टडी करें, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करें, इन टॉपिक्स को आप ज्यादा देखें तो आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में क्या है कि मैप पर कमांड करें, साथ ही साथ ट्रिक्स को और हर चीज को मैप के द्वारा समझें। भारत में कौन सी नदी हिमालय पर्वतमाला से निकल रही है, कौन बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, कौन अरब सागर में जा रही है, इन सब चीजों को आप मैप के द्वारा देखिए, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा, मजा आएगा और दिमाग में वो सेट हो जाएगा। आपको उसके लिए फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इन सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ देता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो अभी 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। पूछ देगा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो आपको शानदार ट्रिक एक संस्थान दे रही है और उस ट्रिक के द्वारा आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार वो ट्रिक है छत्तीसगढ़, उसे ध्यान देंगे। मित्र पर गमछा झाड़, आपका कोई मित्र जाड़े के मौसम में बहुत दिनों तक नहीं नहाता है ना, ऐसा होता है कि लोग जाड़े के मौसम में ठंड के कारण, ठिठुरन भरी ठंड के कारण कई दिनों तक नहीं नहाते हैं, तो नहीं नहाते हैं तो फिर भाई नहीं नहाने पर कई तरह की बीमारियां होती हैं। अब वैसे मित्र को जो कि आपका रूम पार्टनर है नहीं नहा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि नहा करके जब आइए तो उसी पर अपना गमछा, गीला गमछा को झाड़ दीजिए, तो वो पानी से एकदम सराबोर हो जाएगा तो अपने नहाने के लिए जाएगा। तो ये खेल खेल में एक लोटपोट अंदाज में एक चुटकुले के रूप में आपको याद रखना होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो मित्र पर गमछा झाड़ भाई, तो क्या इससे निकलेगा, आप बोलेंगे सर ट्रिक तो आपने बहुत अच्छा दिया लेकिन इससे निकलेगा क्या, तो इससे निकलेगा देखिए क्या, ये ध्यान देंगे, मी से मिजोरम प्यारे छात्रों, त्र से त्रिपुरा,
पद से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, याद रखें, प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत हिट सवाल जो कि आपको आने वाले समय में, झ से झारखंड, र से राजस्थान। देखा आपने प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहा जाता है कि हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। इस ट्रिक के द्वारा इसे याद करके आपने तुरंत देख लिया कि आपको ये आठों राज्यों के नाम याद हो गए। केवल एक ट्रिक आपको याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़, है ना, और उससे आपको ये याद हो जाएगा। मी से मिजोरम, राज्य से जो है हमारे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तरह से त्रिपुरा राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, पर पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है, ग गुजरात से होकर के गुजरती है, म मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, छ छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झ झारखंड से होकर के गुजरती है, और र राजस्थान से होकर गुजरती है। इन आठ राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों सवाल क्या आ जाएंगे, आपको क्या जवाब देना है, पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन देगा मिजोरम, दूसरा ऑप्शन देगा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन देगा पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन देगा झारखंड, और पांचवा ऑप्शन देगा केरल। तो आपको लगा लगाना होगा केरल, क्योंकि केरल क्या इस लिस्ट में है, नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में आठ राज्य हैं। मित्र पर गमछा झाड़ भी ट्रिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत जबरदस्त रूप से आपके लिए पे करेगी। इसलिए छात्रगण ज्योग्राफी विषय पर बिल्कुल कमांड रखें, ज्योग्राफी विषय पर मानचित्र अध्ययन करें, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप से अध्ययन करें। साथ ही साथ मैं एक और सलाह आपको दूंगा जो कि बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण सलाह होगी, संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी, मील का पत्थर आपके लिए साबित होगी। आप ज्योग्राफी में पकड़ बनाने के लिए देखिए क्या करें छात्रगण, मैं टिप्स दे रहा हूं आपको। बाजार में जो प्लेन मैप मिलता है, इंडिया का मैप मिलता है, वर्ल्ड का मैप मिलता है, पहले आप क्या करें कि उन प्लेन मैप्स को ले लें, है ना, और पेंसिल से पहले मैप को, जो भरा हुआ मैप अपने पास रखें, और उसमें पेंसिल से देख देख करके कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, उसे भरना सीखें, भरने की प्रैक्टिस करते रहें, और उसके बाद क्या करें कि धीरे धीरे करके उसमें जो है अपने मन से भरने की आदत डालें कि हाँ दिल्ली है तो यहाँ है, मध्य प्रदेश है तो यहाँ है, केरल है तो यहाँ है, तमिलनाडु है तो यहाँ है, महाराष्ट्र है तो यहाँ है, पुडुचेरी है तो यहाँ है। तो इससे क्या होगा कि आपका परफेक्शन आपका आ जाएगा, आपको पकड़ में आ जाएगी कि भारत के मानचित्र में कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पे है। उसके बाद आप भारत का प्राकृतिक मानचित्र पर प्रैक्टिस करना शुरू करें कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, कहां गिर रही है, कौन बंगाल के सागर में गिर रही है, कौन अरब सागर में गिर रही है। इसको भी यदि आप मानचित्र पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हिमालय पर्वतमाला की मुख्य चोटियां किन किन राज्यों में है, हमारे देश के पड़ोसी जो मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाएं किन किन देशों से होकर के लगती हैं, उनको भी यदि आप मानचित्र के द्वारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतनी जबरदस्त फायदा होगा कि मैं आपको बतला नहीं सकता। आपको फिर बहुत ज्यादा रटने की, अध्ययन करने की जरूरत नहीं होगी, आप मानचित्र के द्वारा ही सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ को आप ज्ञात कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। ठीक उसी प्रकार बाजार में वर्ल्ड का भी मैप मिलता है, विश्व की भी मानचित्र मिलती है। पहले आप क्या करें कि विश्व के मानचित्र में महत्वपूर्ण जो देश हैं, सारे देशों को नहीं, 200 से भी ज्यादा देश हैं, उन सारे देशों को मानचित्र पर लोकेट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या करें, जो जो देश बहुत हाईलाइटेड देश हैं, उन देशों का मानचित्र पर देखें कहां कहां उनकी अवस्थिति है, उनको मार्केशन करें, फिर अपने मन से उसको भरने की कोशिश करें। फिर विश्व के मानचित्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां, चाहे एंडीज पर्वतमाला है तो वो कहाँ है उसको अंडरलाइन करना सीखिए, सहारा मरुस्थल तो वो कहाँ है उसको अंडरलाइन करना शुरू कीजिए, है ना, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है उसको अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपको ज्योग्राफी पर कमांड एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। मैंने ये टिप्स कई विद्यार्थियों को दिया जो कि सफल हो चुके हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का परचम लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सर ये दिए गए आपके टिप्स हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुए, संजीवनी बूटी का काम किया, और हम लोगों ने सर इसे अलग से नहीं तैयार किया, हम लोगों को सर केवल ये बेसिक वर्क कि इंडिया का मैप,
वर्ल्ड का मैप पर जब हम लोगों ने सर तैयारी की और खुद से जब इस पर मेहनत किया तो सर हम लोगों का इस पर कमांड होता चला गया, और उसके बाद सर इस विषय पर हम लोगों को मजा भी आने लग गया, इंटरेस्ट भी आने लग गया। छात्रगण आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप यदि यूपीएससी इंडिया का सर्वोच्च आईएएस का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो वहां ज्योग्राफी विषय में 60 नंबर के केवल मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको मानचित्र पर बताना है कि कौन कौन से स्थान कहां पर है, कौन मरुस्थल कहां है, कौन झील कहां पर है, कौन सी पर्वतमालाएं कहां पर है। ये आप कब बता पाएंगे? जब आपका मानचित्र पर बिल्कुल कमांड होगा तभी बता पाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी, आप मुश्किलों में फंस जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसलिए ज्योग्राफी विषय पर कमांड करने के लिए मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को जरूर ध्यानपूर्वक न केवल सुने बल्कि इसे अपने जीवन में आत्मसात करें, इसे अपनाएं, तो आपका भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल, ये सभी क्षेत्र पे कमांड हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न भारत का भूगोल से आते हैं, इसलिए भारत के भूगोल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी ध्यान आपको केंद्रित करना है, लेकिन ज्यादा आपकी फोकस होगी वो भारत के भूगोल, पूरा इंडियन का ज्योग्राफी पे आपका कमांड होना चाहिए। इस चीज को प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों आपको ध्यान देना होगा, इसी चीज को आपको मनन करना होगा। ज्योग्राफी विषय भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए इसमें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा है, आपके पढ़ने का तरीका कैसा है, इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे। अगले विषय के लिए हम लोग आ रहे हैं प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जो विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वह विषय जैसा कि आप जानते हैं साइंस विषय है। छात्रगण ध्यान देंगे, विज्ञान विषय से आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के ट्रेंड को आजकल देखा जाता है, तो विज्ञान पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं परीक्षक, और विज्ञान विषय में जो चार विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा। फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, और मॉडर्न साइंस यानी कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, इन सब चीजों से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपको इन्हीं पर केंद्रित करके अपनी तैयारी रखनी होगी। इसके लिए आप क्या करें कि एनसीईआरटी की पुस्तकें क्लास 6-12 आपके लिए बहुत ही संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। आपको क्लास 6-12 तक का एनसीईआरटी का पुस्तक यदि आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मॉडर्न साइंस का आप यदि पढ़ते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट मिलता है, आपको इसका फायदा मिलता है। छात्रगण साइंस में क्या उम्मीद करता है परीक्षक आपसे, क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे जानना बेहद जरूरी है। आपको लगता है कि यदि मैंने न्यूटन्स लॉ को रट लिया, प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम, नहीं, आपका रटंत विद्या घटंत विद्या हो जाएगा, रटने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, हमारे डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन की घटनाओं चक्र में, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और उस समय आपको उसका जवाब देना होगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा, पूछ देगा सवाल कि गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, गोली चलाने वक्त पीछे की ओर कैसे दबाव बढ़ जाता है, कैच लेते वक्त खिलाड़ी हाथ को अपने पीछे की ओर क्यों ले जाता है, ओस की बूंदे क्यों नजर आती है, फ्रिज का यदि हम दरवाजा खोल देते हैं तो उस रूम के तापमान पर क्या असर पड़ेगा, घर में जो आप बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह लगाते हैं वो किस श्रेणी या संयोजन में लगाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। सूर्य का जो है प्रकाश, वो सूर्य का डूबने के बाद भी जो है सूर्य की लालिमा क्यों नजर आती है, आकाश का रंग नीला क्यों नजर आता है, किसी पानी के भरे हुए बाल्टी में यदि हम छड़ी डालते हैं तो वह टेढ़ा नजर क्यों आता है, मृग मरीचिका रेगिस्तान में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि दूर में पानी नजर आ रहा है, पानी की परछाई नजर आती है, लेकिन आप सामने जाते हैं तो वो गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, बहुत तेज गति से ट्रेन चल रही है तो उसके नजदीक खड़ा नहीं रहना चाहिए, कौन वैज्ञानिक ने इस बात को बतलाया था। तो जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच की बातों को नहीं जानेंगे, ट्रांसफार्मर से कैसे करंट आती है, एसी आती है कि डीसी आती है, ये सारे चीज आपके डे टू डे लाइफ की से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज आपको किताबी नहीं पूछा जाता है, सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि आपके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को विज्ञान से जोड़ करके परीक्षक पूछते हैं और आपको उसी का जवाब देना है। यही भौतिकी शास्त्र में हो या रसायन शास्त्र में हो या जीव विज्ञान में हो, इन्हीं सब चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इन पर कमांड रखना होगा, आपको इन पर ध्यान रखना होगा, इसके लिए जिज्ञासु बनना होगा, और जब भी कोई भी चीज आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है,
क्या कारण है कि साइकिल सवार जब कोने में मुड़ता है तो थोड़ा सा अपने आप को झुका लेता है। इन्हीं सब चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उस पर कमांड रखना होगा। केमिस्ट्री में क्या है, रसायन शास्त्र में खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कपौत होने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आप लोग रोज यूज करते हैं खाने वाला सोडा, कपौत होने का सोडा, लेकिन नाम नहीं याद रहता है। बाजार से आप वस्तुएं लेते हैं, उसे बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। बाजार में जो पैकेट बंद आप अचार ले रहे हैं, जैम ले रहे हैं, मक्खन ले रहे हैं, अन्य चीजों को ले रहे हैं, जो 6-6 महीने तक खराब नहीं होती है, लेकिन घर में आप बना करके रखोगे तो तुरंत फफूंद लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जम्स आ जाता है, खराब हो जाता है। तो आखिर क्या रहता है, तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, जिसके कारण वस्तुओं को अत्यधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। तो आप इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं लेकिन आपको उसको जानकारी नहीं है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, ये सारे चीजों को आपको जानकारी रखनी होगी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। यदि आप जानकारी नहीं रखोगे तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में दिक्कत आ जाएगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल अप्रोच के ही क्वेश्चंस को ज्यादा पूछा जाता है, बाकी कुछ जो धातु अधातु या रासायनिक सूत्र वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ये एक अलग प्रक्रिया होती है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिकल अप्रोच आप जितना ज्यादा रखिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये टिप्स भी आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। प्रतियोगी विद्यार्थियों, बायोलॉजी से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहा जाता है विज्ञान में बायोलॉजी विषय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान पे यदि आपको कमांड करना है, विज्ञान विषय पे यदि आपको कमांड करना है, तो थोड़ा सा बायोलॉजी विषय पर आपको फोकस ज्यादा करना होगा। ट्रेंड बतलाता है, एनालिसिस बतलाती है कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों को यदि हम देखते हैं, एसएससी के, रेलवे के, जेपीएससी के या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों को, तो हमें एक ट्रेंड नजर आता है कि बायोलॉजी विषय से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। बायोलॉजी विषय में भी ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, हमारे शरीर के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे पाचन क्रिया के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये प्रश्न पूछ देगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने हड्डियों को थोड़ा गिनने लगेगा कि अरे कितना हड्डी है, पता चला हड्डियां गिनने में 2 घंटा हो गया, एग्जामिनेशन खत्म हो गया। नहीं, आपको याद रखना होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो जब तक आप विज्ञान विषय में, बायोलॉजी विषय में प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनाइएगा, जीवन से जुड़ी हुई चीजों को नहीं अपनाइएगा, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। विभिन्न बीमारियों के बारे में सवाल पूछ दिए जाते हैं कि एड्स कैसे होता है ना, अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना किस चीज से होने वाली बीमारी है, वायरस से हो रही है कि जीवाणु से हो रही है कि कवक से हो रही है कि जो है बैक्टीरिया से हो रही है, किन चीजों से हो रही है, क्या कारण है इसके। आप केवल कोरोना कोरोना सुन लिए लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी को आपने प्राप्त नहीं किया तो आपसे बायोलॉजी के सवाल नहीं बनेंगे। इसलिए आपको कोरोना आखिर हमारे शरीर में किस तंत्र को प्रभावित करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे कम करती है, इम्यून सिस्टम को कैसे खत्म कर देती है, ये सारी जानकारियों को आपको इकट्ठा करना होगा, तभी आपसे सवाल बनेंगे। उसी प्रकार से चेचक हो, हैजा हो, डिप्थीरिया हो, टीबी हो, अन्य जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो, क्यों होती हैं, किन कारणों से होती हैं, किस चीज की कमी से होती हैं, किन दवाओं के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। जैसे पूछ देता है कि मलेरिया जो है उसके इलाज के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, तो कुनैन, कुनैन वृक्ष का से जो सिंकोना का छाल निकलता है, कुनैन, वो दवा से मलेरिया का हम लोग ये कहते हैं। कई हम लोगों में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मलेरिया हुआ है ना, तो अब मुझे भी मलेरिया हुआ था लेकिन डॉक्टर ने जब उस समय दवा दी तो हम लोग तो दवा खा लिए, ठीक भी हो गए। अब एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्वेश्चन पूछ दिया कि मलेरिया के लिए कौन सा दवा यूज किया जाता है, तुरंत दिमाग का फ्यूज उड़ गया, कह रहे बताओ यार मलेरिया हुआ भी, दवा खाए भी, ठीक हुए भी, लेकिन ध्यान नहीं दिए, बाद में पता चला रहे इसके लिए तो कुनैन दवा होती है। किससे बनता है, तो सिंकोना वृक्ष के छाल से जो द्रव निकलता है उसी से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। तो ये सब चीजों को हम जब तक नहीं ध्यान रखेंगे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, तब तक आपसे प्रश्न नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना होगा। विटामिन से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये भी बहुत ही हिट क्वेश्चन है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, किस किस विषय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान को किस क्षेत्र में रखा जाता है, सेरिकल्चर क्या है, एपिकल्चर क्या है ना, ये सारे चीजों से भी आपको प्रश्न बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी विषय पर आपको कमांड रखना होगा और एक एक चीजों पर ध्यान देना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। इसे भी ध्यान दीजिए, इसे भी ध्यान केंद्रित कीजिए और बायोलॉजी विषय पर भी अपने आप को प्रकांड विद्वान बनाइए, यही मेरा आप लोगों को नेक सलाह होगा। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न साइंस की ओर। क्या है मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान में हमारे सूचना प्रौद्योगिकी, आजकल क्या है,
कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप का युग है। आपको सारा चीज जानना होगा, कंप्यूटर्स क्या है, मोबाइल क्या है, किस टेक्निक पर काम करती है, लैपटॉप क्या है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, है ना, जो इस सब चीजों का निर्माण करती है। साथ ही साथ हमें अपने जितने भी रक्षा विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं उससे भी सवाल आएंगे। जैसे मैं एक शानदार आपको ट्रिक दे रहा हूं कि भारत की जितने भी मिसाइल हैं, हम जो मिसाइल प्रयोग करते हैं, आखिर उन मिसाइलों को याद करने का क्या तरीका है कि भारत के महत्वपूर्ण मिसाइल कौन से हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों केवल एक ट्रिक को याद रखना है, एक शहर के नाम को याद रखना है, आपको आराम से वो ट्रिक याद हो जाएगा, पटना। पी से पृथ्वी, अ से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक शहर को केवल आपने याद कर रख लिया, पटना, और भारत के जितने भी मिसाइल हैं वो आपको याद हो गए। पी से क्या मिसाइल का नाम है, पृथ्वी मिसाइल, आप हमेशा नाम सुनते हैं। ए से अग्नि मिसाइल, ये भी हम लोगों की जबरदस्त मिसाइल है। टी से त्रिशूल मिसाइल का नाम है। एन से नाग मिसाइल का नाम है। ए से आकाश मिसाइल का नाम है। क्या सवाल पूछ दिए जाएंगे, पूछेगा निम्नलिखित में से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश क्या है। ऑप्शन देगा नंबर एक, भारत के देवी देवताओं के नाम। नंबर दो देगा धार्मिक प्रतीक चिन्हों के नाम। नंबर तीन देगा भारत के मिसाइलों के नाम। नंबर चार देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आप क्या लगाइएगा, आपको लगाना होगा ये भारत के मिसाइलों के नाम है। पटना शहर को याद कर लीजिए और ये आपको आराम से याद हो जाएगा। छतगन, भारत का परमाणु कार्यक्रम कब कब चला। 1974 18 मई को जब इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत का पहली बार राजस्थान के परमाणु से परीक्षण, राजस्थान के पोखरण नामक परमाणु परीक्षण से पहली बार परमाणु परीक्षण किया था और पूरे विश्व में डंका बजा दिया था और पूरे विश्व में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत को बना दिया था। उस समय पूरा विश्व लोहा माना था भारत का कि हाँ, भारत भी अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। 18 मई 1974 को पहली बार भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाली प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया, 18 मई 1974 को। कहां से किया, राजस्थान के पोखरण नामक स्थान से किया था। कौन प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरी बार कब किया, 11 से 13 मई 1998 को। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। और कहां से किया, तो पोखरण नामक परमाणु परीक्षण से किया था। तो पोखरण एक बड़ा यहां पे हॉट इशू आपको बन गया, हॉट टॉपिक बन गया कि पोखरण क्या है। तो पोखरण राजस्थान का एक स्थान है जहां से परमाणु परीक्षण किया जाता है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, ये आपको क्वेश्चन बहुत ही हिट टॉपिक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जितने भी मिसाइलों का परीक्षण होता है वो उड़ीसा के चांदीपुर के बालासोर नामक स्थान से होता है, चाहे पृथ्वी का हो, अग्नि का हो, त्रिशूल का हो, नाग का हो, आकाश का हो, है ना। इन सब का परीक्षण कहां से होता है, चांदीपुर बालासोर उड़ीसा से। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हमारा अंतरिक्ष केंद्र जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, आपने नाम सुना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। सवाल हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ISRO का, ISRO यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहां है, बंगलुरु में है, है ना। इसके जो हेड रहेंगे करंट, उनका भी नाम आपको याद रखना होगा। क्या करती है यह संस्थान, भारत के जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होती है उसकी सारा प्रक्रिया को यही संचालित करती है, यही इसका काम होता है। इससे भी सवाल पूछे जाएंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपको मॉडर्न साइंस में ये सारे चीजों को ध्यान में रखना होगा, भारत की मिसाइल तकनीक, भारत का रक्षा तंत्र, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, भारत कौन कौन से उपग्रहों को पृथ्वी से भेज रहा है, उन उपग्रहों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन सारे चीजों को आप कमांड कर लेंगे तो आपको साइंस विषय पर एक जबरदस्त रूप से कमांड हो जाएगा। इसलिए पहले प्रतियोगी विद्यार्थियों, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को ध्यान में रखना होगा। साइंस विषय से इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट विषय की ओर आ रहे हैं, वो है पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटी, भारतीय राजनीतिक शास्त्र या भारतीय राजव्यवस्था विषय भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का एक बहुत ही हिट विषय है और इससे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसलिए आप इस विषय को कभी भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। मैं हमेशा देखता हूं
कि प्रतियोगी विद्यार्थियों में राजनीति के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं होता। विशेष करके मैं छात्राओं को देखता हूँ, गर्ल्स स्टूडेंट तो हम ऐसा कहते नहीं पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज होती है, पॉलिटिक्स बेकार का चीज है, इसमें षड्यंत्र होता है, साजिश होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये करने से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको यदि पूछ देगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस पार्टी के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, तीर छाप है, तो वहां पर आप ये नहीं लिख दीजिएगा कि मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती हूं, मुझे राजनीति से नफरत है, राजनीतिक लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर आपके ओएमआर सीट में भी लिख दिया जाएगा मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, आप भी अच्छा आंसर नहीं दे रही हैं, आपको मैं इस एग्जामिशन से निष्कासित करता हूं, तो आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर से बाहर हो जाएंगे। इसे याद रखिए छात्रगण, राजनीति जो है वह गंदी चीज नहीं है, राजनीति में इंटरेस्ट आपको लेना ही होगा, पर दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी ही, करेला कौवा जरूर होता है लेकिन ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, खून साफ करता है, चिरैता भी कौवा होता है, नीम भी कौवा होता है लेकिन वह खून को रक्त को साफ कर देता है, चेहरे पे कांति ला देता है, चेहरे पे यदि पिंपल्स वगैरह हैं तो उन्हें दूर कर देता है। इसलिए यह कह देना कि नहीं राजनीति गलत चीज है, गंदी चीज है, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, नहीं लेती हूं, तो आपको ये राजनीति शास्त्र में अंक नहीं दिला पाएगा और आप पिछड़ जाएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसलिए इस पर एकदम कमांड रखें, इंटरेस्ट लें, मजा लें। छात्रगण मैं टिप्स देना चाहूंगा आपको कि राजनीति शास्त्र पे आखिर कैसे कमांड किया जाए। सबसे अच्छी बात है जो जितना ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो जितना ज्यादा न्यूज टीवी में सुनता है, विशेष तौर पर मैं छात्राओं को कहना चाहूंगा जो कि न्यूज बहुत कम सुनती हैं, टीवी सीरियल में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कहानी घर घर की और दौरानी जोठानी और कहानी सिमरन की और ससुराल सिमरन का, है ना, तो ये सब में जो आप लोग मजा लेते हैं वो ठीक है, लेकिन अफसोसजनक रूप से उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। टीवी चैनल में आप न्यूज जरूर सुने, न्यूज सुनने से क्या फायदा होगा कि कई प्रकार के प्रश्न तो आपको वहीं से प्राप्त हो जाएंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, किस राज्य में नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, भारत में विभिन्न पदाधिकारी जो विभिन्न राजनीतिक पदों पर विराजमान हैं वो कौन कौन हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री किस विभाग के हैं, आपके राज्य मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री किस विभाग के हैं, कौन शिक्षा मंत्री हैं, कौन ऊर्जा मंत्री हैं, कौन गृह मंत्री हैं, कौन रक्षा मंत्री हैं, कौन वित्त मंत्री हैं, कौन स्वास्थ्य मंत्री हैं, यदि ये सब चीजों को आप नहीं जानिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये वही बात हो गई जिस प्रकार शरीर से आत्मा गायब हो जाती है तो शरीर का कोई काम नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार से आपको इन सब चीजों पर प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों कमांड रखनी ही पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस में आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आपको अपने आप मजा आना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिकल चीजों पर चर्चा करें, लेकिन यह चर्चा कभी ना करें कि नरेंद्र मोदी अच्छे हैं या राहुल गांधी, यह चर्चा करने का विषय नहीं है। चर्चा क्या करना चाहिए, किस पार्टी की किस राज्य में सरकार है, किस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, जिस जो सत्ता दल की पार्टी है उसको कौन कौन सी पार्टी समर्थन कर रही है, ये सब चीजों से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल का ट्रेंड देखिए उठा करके आप रेलवे का, एसएससी का, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं का, तो हर जगह पूछा जाता है। जैसे किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो उस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को आई, सेकेंड नंबर पर कौन रही, थर्ड नंबर पर कौन रही, किस पार्टी की सरकार बनी, यदि सरकार साझा सरकार बनी है तो कौन कौन पार्टियों ने मिलकर के बनाया, इन सब चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए और इनको नोट डाउन करने की आदत डालनी चाहिए। किसी भी राज्य में कोई नए मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं, कोई भी नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं किसी राज्य उच्च न्यायालय के, आपको तुरंत इन सब चीजों को नोट डाउन करना चाहिए। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। छात्रगण पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है इंडियन पॉलिटी जो आपको जागरूक बनाता है, आपको बतलाता है कि आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, आपको बतलाता है कि आपका इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, राज्य के प्रति, जिले के प्रति, प्रखंड के प्रति, गांव के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं, कौन कौन से जिम्मेदारियां हैं। अधिकारों की बात तो हम बहुत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सरकार ने ये नहीं दिया, प्रशासन ने ये नहीं दिया, नेता ने ये नहीं किया, लेकिन जहां कर्तव्य की बात आती है हम विमुख हो जाते हैं। इसलिए राजनीति शास्त्र हमें बताता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, इस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें कैसे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें कैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हमें कैसे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्हों की जो है सम्मान करना चाहिए, ये सारे चीजों को पॉलिटिकल साइंस बतलाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बतलाता है कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जब आप पढ़ते हैं तो आपको अधिकारों के बारे में पता चलता है। इससे क्या साबित होता है, इससे पता चलता है कि सरकार आप पर
दमन न करे। पुलिस प्रशासन आप निर्दोष हैं तो आप पर दमन चक्र न चलाए, आपके मौलिक अधिकारों का हनन न करे, आपके साथ वो कभी दुर्व्यवहार न करे। क्यों? यदि आप जागरूक इंसान रहेंगे, यदि आप मौलिक अधिकारों को जानेंगे, तभी आप इन सब चीजों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। इसलिए एक जागरूक नागरिक बनना है, एक कर्तव्यशील नागरिक बनना है, एक योग्य नागरिक बनना है, तो आपको राजनीतिक शास्त्र में इंटरेस्ट लेना ही होगा, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट लेना ही होगा। छतगण मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति मूल कर्तव्य, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सब चीजों से प्रश्न बहुत बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतना अंदाज आपको अच्छा लगेगा, इतना मजा आपको आएगा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का जो तरीका मैंने आप लोगों को बतलाया कि न्यूज़पेपर से दोस्ती कीजिए, राजनीति में इंटरेस्ट लीजिए और राजनीतिक घटनाओं में इंटरेस्ट लीजिए, राजनीतिक बातचीत में नहीं, राजनीतिक घटनाओं में मजा लीजिए, तो आपको काफी आनंद आएगा, कहीं कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। छतगण अगले विषय जिसकी ओर हम लोग आ रहे हैं वो विषय है इकोनॉमिक्स का विषय, अर्थशास्त्र का विषय। छतगण इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो न केवल एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं बल्कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी आपके लिए पे करेगा। छतगण अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। छतगण अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इन दिनों को के प्रतियोगिता परीक्षाओं के ट्रेंड को जब हम देखते हैं, एसएससी के क्वेश्चन बैंक को, रेलवे के क्वेश्चन बैंक को, बैंकिंग के क्वेश्चन बैंक को, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंक को, तो देखा जा रहा है कि आजकल इकोनॉमिक्स से भी सवाल काफी बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। इसलिए छतगण आपको इकोनॉमिक्स पर भी कमांड रखना होगा। इकोनॉमिक्स में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है, सीआरआर क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सलार क्या है, मुद्रा स्फीति क्या है, मुद्रा स्फीति के साथ इनका क्या रिलेशन है। बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को, उन्हें लगता है कि बाप ये बहुत टफ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और मौद्रिक नीति के साथ इसका क्या है, एक चीज को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक चीज को कम ज्यादा करेंगे तो दूसरा घटेगा। मैं इतनी शानदार ट्रिक से आपको क्लासेस में बताऊंगा, इतने शानदार तरीके से प्रस्तुति करूंगा कि आपको लगेगा नहीं ये सब तो आईने की तरह साफ था, ये पानी था और हम इसको बताओ समंदर समझ लिए थे। नहीं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पढ़ाने की टेक्निक बहुत ज्यादा मैटर करती है, सामने वाला आपको कैसे समझा रहा है ये मैटर करता है, बनिस्पत कि आप उस चीज को कब समझ रहे हो। इसलिए आप विश्वास मानिए, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स जैसे एक ऐसा विषय जिसे लोग कठिन मानते हैं, मैं इतने आसान तरीके से आपको बतला दूंगा कि आपको लगेगा कि अरे ये सब चीजें तो बहुत ही आसान थी, हम लोग इसे झूठ मूठ टफ समझ रहे थे, और आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी आराम से हल होंगे। छतगण रिजर्व बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंकिंग सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक कौन कौन सी चली हैं, भारत में कौन कौन से आर्थिक संगठन हैं, विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन कौन कौन से हैं, भारत में नोट छापने का और सिक्के ढालने का कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है, इन सब चीजों से राष्ट्रीय आय क्या होती है ना, इन सब चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। आपको इकोनॉमिक्स में भी कमांड करना होगा। इकोनॉमिक्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें शेयर बाजार से लेकर के जो है जितने भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इकोनॉमिकल टर्म्स होता है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक विषय पर भी आपको कमांड करना होगा और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इकोनॉमिक्स पर भी हम लोग इस अंदाज में आपको पढ़ाएंगे कि आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा और इकोनॉमिक्स विषय आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगले विषय की ओर हम लोग छात्रगण प्रवेश करेंगे, वो है करंट अफेयर्स। छतगण करंट अफेयर्स एक 440 वोल्ट का करंट है जिसके बिना जिस प्रकार घर में बिजली नहीं जल पाती है, ठीक उसी प्रकार प्रतियोगी विद्यार्थी यदि करंट अफेयर्स पे कमांड ना रखे तो वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकता है। छतगण इसलिए याद रखिए, करंट अफेयर्स पे आपको कमांड रखना होगा, चाहे नेशनल करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स हो, स्टेट करंट अफेयर्स हो, सब पर आपको कमांड रखना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छी बात होती है न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, न्यूज़पेपर से डेली नोट डाउन करने की आदत डालें, प्रत्येक दिन की घटनाएं जो भी महत्वपूर्ण मिलती है उसको लिखने की आदत डालें। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें? पहले फ्रंट पेज को पढ़ें, उसके बाद एडिटोरियल पेज को पढ़ें, उसके बाद स्पोर्ट्स पेज को पढ़ें, उसके बाद एक देश विदेश का पेज आता है उसे पढ़ें, उसके बाद जो आपका कारोबार का पेज आता है जिसमें शेयर मार्केट से जुड़े हुए, रिजर्व बैंक से जुड़े हुए जानकारियां होती हैं, उन सब चीजों को पढ़ें, तो आपको इकोनॉमिक्स पर अपने आप
कमांड होता चला जाएगा, करंट अफेयर्स में अपने आप कमांड होता चला जाएगा। और करंट अफेयर्स को मजबूत बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत फायदा होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से केवल करंट अफेयर्स ही मजबूत नहीं होता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, अर्थशास्त्र, हर विषय पर मजबूती आ जाती है। क्योंकि न्यूज़पेपर तो खजाने का भंडार होता है, उसमें तो आर्थिक जानकारी भी होती है, राजनीतिक जानकारी भी होती है, ऐतिहासिक जानकारियां भी होती हैं, भौगोलिक जानकारियां भी होती हैं, वैज्ञानिक जानकारियां भी होती हैं, खेलकूद से भी संबंधित जानकारियां होती हैं। इसलिए न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत अभिन्न मित्र है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ही गलत है। आपके लिए सफलता को एक बाधा खड़ा कर देगा, एक चुनौती पेश कर देगा, आपके लिए एक संदिग्ध रास्ता आ जाएगा, आपके लिए कठिनाइयां आ जाएंगी। इसलिए न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर के साथ दोस्ती कीजिए, टीवी में न्यूज चैनल सुनिए, उनपे भी जो जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको नोट डाउन करने की आदत डालिए, रेडियो सुनिए। यदि आप लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ टीवी की सुविधा नहीं है तो रेडियो सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, रेडियो में भी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती हैं उसको नोट डाउन करने की आदत डालिए। आपको मैं दावा करता हूँ कि करंट अफेयर्स आपका निश्चित तौर पर मजबूत होगा। और करंट अफेयर्स से नहीं, आपको अन्य कई जानकारियाँ हो जाएंगी। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो केवल न्यूज़पेपर पढ़ के उनके पास इतनी असीमित जानकारी हो गई कि उन्होंने कोई भी वाद विवाद हो, भाषण प्रतियोगिता हो, वहां पर टॉप स्थान प्राप्त किया है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण। इसलिए करंट अफेयर्स में पकड़ बनाने के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़े ही, साथ ही साथ आप मासिक मैगजीन्स हो गई, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह हो गया, वो भी आप ले सकते हैं। युवा मैगजीन एक आती है ना, अरिहंत प्रकाशन की, आप उसे भी लें, उसमें भी काफ़ी अच्छी सामग्री दी रहती है, आप उन सब चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सहारा आपके लिए होगा कि आप डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन करें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और मील का पत्थर साबित होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और न्यूज़पेपर केवल पढ़े नहीं, उसको डेली डेट वाइज अपने डायरी में नोट डाउन करने की भी आदत डालें, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आज हम लोग अंतिम टॉपिक की ओर आ रहे हैं छात्रगण, और वो है जीके। जीके एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बल्कि अन्य जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, आजकल जेपीएससी में भी पूछ रहा है, यूपीएससी में भी पूछ रहा है, हर जगह जीके के बिना कोई काम नहीं चलता है। जीके एक बहुत ही जरूरी टॉपिक हो गई है छात्रगण, इसलिए आपको जीके पर भी अपना कमांड करना होगा। जीके पर मैं आपको बतलाना हूं कि क्या क्या चीजों पर कमांड करें, महत्वपूर्ण दिवस और उसकी विशेषताएं, विभिन्न शहर वो किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, विभिन्न देशों के मुद्राओं के क्या नाम हैं, विभिन्न देशों के संसद को क्या कहा जाता है, विभिन्न देशों की गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम हैं, विभिन्न देशों के श्वेत पत्र को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से जीके के टॉपिक्स जो होते हैं उनको यदि आप तैयार कर लेंगे, महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक के नाम, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल क्या हैं, खेलों से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावलियां क्या हैं, विभिन्न खेल और उसमें कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक कौन हैं, कौन कौन से शास्त्रीय संगीत हैं, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, इन सब कौन कौन से राज्यों के लोकप्रिय नृत्य हैं और इनके कौन प्रमुख नृत्यांगना हैं, साथ ही साथ लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे असम का बिहू है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, इस प्रकार से कौन कौन से राज्य में कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं, इन सब चीजों से सवाल आपको पूछे जाएंगे, आपको इन पर कमांड रखना होगा। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, वो कहां पर हैं, गोल गुंबज कहां है, बीजापुर में है, चार मीनार कहां पर है, हैदराबाद में है, गोलघर कहां है, पटना में है, ये सब चीजों पर आप जब तक कमांड नहीं रखेंगे तब तक आपसे जीके के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। याद रखें प्रतियोगी विद्यार्थियों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेपीएससी, हर जगह जीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको जीके पर भी कमांड करना होगा। जीके पर कमांड करने के लिए आप लुसेंट की पुस्तक, अरिहंत की जो जीके की पुस्तक आती हैं, ये सब पुस्तकें भी आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी और आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होंगी। बाकी क्लास में भी हम लोग जीके के बारे में आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नया बताते चलेंगे ताकि आपको इसका फायदा मिलेगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने जीएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज के बाद जो नेक्स्ट कक्षाएं आएंगी वहां पर हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास विषय को जब भी शुरू कीजिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कीजिए, आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरू कीजिए, 1857 की क्रांति से शुरू कीजिए, तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट जगता है, मजा आता है। जिनका ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स है, जिनका ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स है, जिनका जूलॉजी है, बॉटनी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की भी है, जिनका आर्ट्स विषय से कभी लेना देना नहीं है, उन सबों को भी उसमें इतना आनंद आएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत में आज करूंगा, और जिनका भी ऑनर्स कोई भी विषय रहा हो, चाहे कॉमर्स
के वो रहे हों, चाहे साइंस के रहे हों, मैं ये दावा करता हूं कि इतिहास विषय से मैं आपको मोहब्बत करवा दूंगा, इतिहास विषय पर मैं आपकी दोस्ती और दीवानगी इस कदर पहुंचा दूंगा कि आप उस पर फिदा हो जाएंगे और आप आनंद से सराबोर हो जाएंगे, मजा आने लगेगा आपको कि वाह विषय हो तो ऐसा, और यह इतिहास विषय आपके लिए बहुत ही मजेदार और रोचक होगा। और अगली कक्षाओं में हम लोग 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह लेकर के आएंगे। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय और बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, धन्यवाद।